आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा। वह एक अच्छे फाइटर तो थे ही बल्कि एक अच्छे अभिनेता भी रहे। उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1973 को हुई थी। वे तब सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन करीब 50 साल के बाद उनके मरने की थ्योरी सामने आई है। एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। दरअसल तब बताया गया था कि उनकी मौत सेरेब्रल ओडेमा के कारण हुई थी, यानी कि उनकी दिमाग की नसों में सूजन आ गई थी। लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता लगा है कि उनकी मौत किस कारण हुई थी। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द हेल्थ साइड। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि उनकी मौत किडनी में आई एक खराबी की वजह से हुई। दरअसल उनकी किडनी में पानी भर गया था। दरअसल इस हालत में आपकी किडनी आपकी बॉडी से पानी बाहर नहीं निकाल पाती और इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि वह ज़्यादा पानी पिया करते थे। हम अक्सर पतला होने के लिए या अच्छी त्वचा के लिए पानी का अधिक सेवन करते हैं। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। इसके लिए हमें कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा पानी भी हमारी जान ले सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। हेल्दी और हाइड्रेट रहने के लिए हमें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी 5 से 6 लीटर पानी पी जाते हैं। लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। हर इंसान के पानी पीने की नीड अलग अलग होती है। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से यह पता लगा है कि पुरुषों को दिन में कम से कम 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि उनको दिन में कम से कम 15 से 16 कप पानी पीना चाहिए और महिलाओं को कम से कम 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं ज़्यादा पानी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने से आपके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को हाइपोट्रेमिया हो जाता है और कमजोरी आने लगती है। दिमाग में अन्य तरह की उलझने पैदा हो जाती हैं, जी मचलने लगता है और उल्टी आना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इनसे आपका सोडियम लेवल भी कम हो जाता है और कुछ गंभीर मामलों में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं तो सावधान रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही या प्यास आने पर ही पानी पिएं। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द हेल्थ साइड।